लक्ष्मी, ये रुपया घर जाकर रख दे। माँ, इन रुपयों से मैं राजू के लिए एक शर्ट सिलाऊंगी। उसकी क्या जल्दी है, पहले तेरी शादी की जिम्मेदारी से तो मुक्त हो जाए। तुम चुप रहो माँ, बेचारा बिना शर्ट के तेज धूप में कैसे चलता होगा। पहले उसको शर्ट, बाकी सब बाद में। देख लिया ना अपनी बेटी को, ऐसे ही चलता रहा तो हमने उसकी शादी कर दी। राजू चलो जाएंगे। जाने दो उसे, वो भी बदन में कपड़े बगैर कितना दिन रहेगा। रह रहकर आपसे ही कहा ना, मेरे ही मत मारी गई थी। ठीक है, खाना खा लीजिए। इसकी कोई जरूरत नहीं है, सबके लिए आसमान देखते हो। लक्ष्मी। क्या माँ? क्या हुआ? खाना खाने के लिए आओ बेटी। राजू टेलर की दुकान पर गया है, अभी तक नहीं आया। माँ उसे आने दो, मैं बाद में खाना खा लेती हूँ। भाई के तन पर नए कपड़े देखे बिना तुम्हें नींद नहीं आएगी। दीदी, दीदी क्यों इतनी देर हो गई? मुझे बहुत घबराहट हो गई थी। दीदी टेलर की दुकान में बहुत गर्दी थी, इसीलिए देर हो गई। ये लो। ये क्या है? शर्ट सिलाने को बोला तो ब्लाउज सिलाया है, उस टेलर का दिमाग खराब है क्या? ब्लाउज सिलाने को मैंने ही कहा दीदी। तुमने कहा क्या? हाँ दीदी। मेरे बदन में कपड़ा नहीं तो कोई नहीं देखेगा, मगर तुम्हारे फटे हुए ब्लाउज को सब देखते रहते हैं दीदी। उसे देखने से मुझे दुख हुआ, इसलिए शर्ट के बदले ब्लाउज लाया। से आप अच्छा हो? आप इतनी दूर? आज जमीन का कोर्ट में फैसला होने वाला है, इसीलिए भगवान के दर्शन करने आया हूं मैं। बहुत खुशी हुई, गांव वाले आपको भगवान समझते हैं। ये भगवान आपसे कभी अन्याय नहीं करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। पुजारी जी, वो कौन है? अपने वीर सिंह जी की बेटी है, नाम लक्ष्मी है।
नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते। आपने हमें बुलाया था, क्यों? पड़ोस के गांव से राजगौड़े जी मंदिर में आए थे, आपकी बेटी को देखकर उससे विवाह करने का निर्णय लिया है, इसमें आपका क्या विचार है? नहीं, उनका स्थान क्या, हमारा स्थान क्या? 10 साल से जिस जमीन का मुकदमा चल रहा था, आज कोर्ट ने उसे इनके पक्ष में किया है। ये सब हुआ है आपकी बेटी को देखने के बाद, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया है। ये समाचार अब तक पहुंचाने के लिए मुझसे कहकर गए। माँ, वो खुद आ गई है, उसी से पूछ लीजिए। बेटी लक्ष्मी, तुम स्वयं महालक्ष्मी ही हो, पड़ोस के गांव के ठाकुर वो तुम्हें पत्नी के रूप में अपनाना चाहते हैं, तुम्हारा विचार क्या है? मौनम सम्मति लक्षणम, देर किस बात की है, शीघ्र ही तैयारियां कीजिए। सावित्री, सावित्री, टाइम हो गया है, भेजो उसे। क्या है सब? हमारी लक्ष्मी को देने के लिए। ए, वो बड़े धनवान हैं, ये सब मानेंगे नहीं। बोलो कितने ही धनवान हो, ये सब हमारी बेटी को देना हमारी परंपरा है। माँ के घर से अपनी बेटी को खाली हाथ भेजना मेरा मन नहीं मानता। ठीक है, अपनी बेटी से पूछो, उसे जो चाहिए ले जाने दो। लक्ष्मी। माँ, मैं कुछ भी चाहूँ ले सकती हूँ ना? क्यों बेटी, ऐसा क्यों पूछ रही हो? तुमसे बढ़ के कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ से जाते वक्त तुम खुशी से जाओ और हमेशा खुश रहो, यही चाहते हैं। ठीक है, यहाँ से निकलो। जी। एक मिनट। क्या बात है लक्ष्मी? आप गलत नहीं समझे तो एक बात कहूं? बोलो। इस घर में मुझे एक चीज बहुत पसंद है, मेरी जान से भी बढ़कर है वो चीज। क्या मैं उसे अपने साथ आपके घर ले जा सकती हूँ? तुम्हारा जो पसंद है वही मेरा पसंद है, जाओ आराम से लेकर आओ। इसके बारे में ही मैंने कहा था। आप मना नहीं करेंगे तो मैं इसे अपने साथ ले लूंगी। तुम्हारी जो इच्छा। राजू, आज से ये मेरे ही भगवान नहीं तुम्हारे भी हैं। जो जीजा जी कहेंगे वही करना, ठीक है ना? हाँ, जीजा का कहना मानूंगा। राजू, राजू, अरे कहाँ गया ये लड़का? अरे भाई, किसको ढूंढ रही हो? और किसको, आपके प्यारे साले साहब को। राजू को क्यों? नहीं जी, हम लोग मंदिर जा रहे हैं ना, और अब तक उसका कोई नामो निशान नहीं, थोड़ा भी डर वर नहीं है। कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं। ऐसे क्यों चिल्ला रही हो, कुछ काम होगा, गया होगा, आ जाएगा अभी। बस कीजिए, आप ही के लाड़ प्यार की वजह से इतना बिगड़ गया है। क्या ये सब? जीजा जी, आपको, दीदी को ये गाड़ी। भीमा, दीदी जीजा को नमस्कार करो। ए जी, ऐसे समय पर अपने साथ गीता होती तो कितना अच्छा होता ना। परीक्षा खत्म होते ही आ जाएगी, क्यों राजू? जीजा जी बोले तो ठीक ही होगा। हाय।
आ गए आ गए। नमस्ते। नमस्कार नमस्कार कैसे नमस्ते? हो जीजा, जीजा जी। अरे अरे क्या बात है? टेलीग्राम आया, गीता आ रही है। कब? आज। आज ही? इसीलिए इतना चिल्ला रहे हो तुम? अरे गांव में सबको बताना है, जल्दी से। अरे जाओ 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 जाओ, फिर तो आ गई होगी। जाओ जाओ जल्दी जाओ जल्दी जाओ। लक्ष्मी लक्ष्मी आती हूँ। अरे अरे बेटी आ रही है, अपनी बेटी आ रही है, बेटी आ रही है अपनी। इसीलिए आप इतना चिल्ला रहे हैं? मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे भाई, हाथ पैर नहीं चल रहे मेरे। अरे सुनो, रामू श्यामू सीता रीमा, गीता आ रही है, गीता। चलो उतरो जल्दी 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 करो, चलो चलो जल्दी करो, चलो उतरो 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 जल्दी गीता, चलो चलो जल्दी 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 उतरिए, चलिए। अरे मिस्टर आपको क्या चाहिए? अब मेरे दीदी की बेटी आ रही है। अरे भाई कौन है तुम्हारी दीदी की लड़की? अरे मेरी दीदी की लड़की को नहीं जानते? किसने तुम्हें कंडक्टर बना दिया? अरे तुम्हारी बहन की बेटी माधुरी दीक्षित है या श्रीदेवी है, जो सबको पता होगा। ए, वो उन सबसे भी बढ़कर है। सुबह सुबह सर खाने आ गए। ए सुनो अरे रे ये सब क्या है गीता? क्या हुआ राजू? छोड़ो छोड़ो छोड़ो, क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या? गांव के मुखिया की लड़की ऐसे कपड़े पहनकर घूमती है क्या? तुम्हें अच्छे कपड़े पहनने चाहिए ना। अरे राजू तुम्हें मालूम नहीं, ये लेटेस्ट फैशन है। हाँ, क्या लेटेस्ट फैशन है पता नहीं, दोबारा ऐसे कपड़े पहने तो मारूंगा। चलो अभी यहाँ से, सब इंतजार कर रहे हैं। भीमा हाय, ये क्या राजू गाय भैंस की भाषा बोलते हो क्या? हाँ, मुझे क्या समझ रखा है? हाँ? चलो जाएंगे। राजू क्या मुझे गोद में उठा के ले चलो। एक दूंगा, चलो गाड़ी में गोद में उठा के चलो। मम्मी डैडी, मम्मी अच्छी हो ना? हाँ अच्छे, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। परीक्षा अच्छे से दिया ना? फर्स्ट क्लास से पास हो जाऊंगी। और नहीं तो क्या, मेरे जीजा जी की बेटी फर्स्ट क्लास में पास नहीं होगी तो और कौन होगा? आरती उतारो आरती उतारो। एक तरह से खड़ी रहो। गीता 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 एक मिनट रुको। क्या कर रहे हो? एक मिनट रुको, घर की नजर, पड़ोसी की नजर, लोगों की नजर, कुत्ते की नजर, भैंस की नजर, मेरी नजर, सबकी नजर तुम्हें ना लगे। गीता मुट्ठी पे थूको। पीछे देखे बगैर सीधा घर के अंदर चले जाना। अरे अरे ये सब क्या है? जीजा ये सब आपको मालूम नहीं, कितने लोगों की बुरी नजर लगी होगी गीता को, इसीलिए उसकी नजर उतार रहा हूँ। दीदी इसे अंदर ले जाओ। चलो बेटी। आजा आजा आजा। क्यों माजी क्या हो गया? मुश्किल से जो दारू का धंधा आपने बंद किया था वो फिर से शुरू हो गया है। वो गुंडा जेल से बाहर आकर हमारे घर वालों को जबरदस्ती दारू पीने के लिए ले जा रहा है। उसको अपने गांव का इंस्पेक्टर ही सपोर्ट कर रहा है। इस सब के लिए आप ही रास्ता बताइए। राजू नहीं, तुम यहीं रुको।
मालिक, हम ये काम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे मालिक, उस इंस्पेक्टर के डर से हम ये काम कर रहे हैं। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो किसी केस में डालकर वो हमें कुत्ते की तरह मार मार कर हमारी जान ले लेगा मालिक। मालिक, हमारे बीवी बच्चे रास्ते पर ना आए इसलिए हम ये काम कर रहे हैं मालिक। क्यों रे, काम छोड़कर हरिकथा सुन रहे हो क्या? जाओ जाओ, जाके काम देखो। इंस्पेक्टर, लोगों को सही रास्ता बताना आपका काम है, आप ही ऐसा करेंगे तो ठीक नहीं है। ए, अपनी कथा को अपने पास रखो, काम की बात करो। देखिए, ये एकदम गलत है, इसे औरतों और बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। वो उसके बीवी बच्चे कहीं आपके तो नहीं है? इंस्पेक्टर। ए, क्या रे, ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? जाओ बोतल उठाओ और टुल होकर घर में चुपचाप बैठ जाओ। ए, छोड़ो। ए, मैंने देश भर की सैर की है। ए, चल भाजो। हाथ उठाता है, छोड़िए जीजा जी, आज इसे मार डालूंगा। बस छोड़ो इनको। ए, अब से तो अच्छी जिंदगी जीना सीखो। तुम्हारी तकदीर अच्छे थे इंस्पेक्टर, मेरे जीजा की वजह से बच गए। दोस्तों, कला के प्रेमियों, नृत्य की रानी वैशाली के बेहतरीन नृत्य कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। अरे चलो चलो जल्दी चलो चलो चलो, अरे ठुमके छोड़ जाएंगे, चलो भाई। ठुमके लगाती है, क्या ठुमके लगाती है बताए क्या? Ah
हटो हटो ए चलो हटो ए तुम्हारा सड़ियल डांस नहीं चाहिए, ठुमके वाली को बुलाओ, ए हटो हटो ए चलो 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 भागो भागो भागो। कमर हिला ओ सुपर है ये डुपर है ये डुपर है वाह हड़ी टप नच के दिखा ओ छई छप कमर हिला ओ सुपर है ये डुपर है ये डुपर है वाह मनी मनी ले ले का मनी 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 ले ले मनी नच के दिखा ओ छई छप कमर हिला ओ सुपर है ये डुपर है ये डुपर है वाह लपक झपक पकड़ धकड़ दे 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 लपक झपक पकड़ धकड़ दे 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 इंस्पेक्टर, तुमने जब मुझे कहा मुझे यकीन ही नहीं हुआ। अरे इन गांव वालों के पास तो बहुत खजाना भरा है। बस ये तो अभी शुरुआत ही है रुद्रा। इस गांव में तुम हजारों और लाखों कमा सकते हो, इसलिए तुम्हें और तुम्हारी बहन को यहां लाया हूं। वैसे इस गांव में हमें कोई तकलीफ वकलीफ तो नहीं देगा ना? ए डरो मत, मैं हूं ना इस
गांव में ऐसा कौन है जो मुझसे पंगा ले सकेगा? यहाँ का मही राजा और मही मंत्री। बस इतना काफी है। तबीयत कैसी है? आप कैसे हैं? मेरे से सवाल करता है क्या? ये अच्छी बात नहीं है। मैं कौन हूँ मालूम है क्या? कौन? शिवपुर का सेठ दादा गोरे हूँ। एक रख के दूंगा तो बत्ती से बाहर निकल जाएगी। और मैं कौन हूँ मालूम है क्या? वीरापुर का पटेल चोला राय हूँ। उसकी कमर जितनी भी तेरी हाइट नहीं है, तुझे वो लड़की चाहिए क्या? कौन? मैं हूँ शिवपुर का जमींदार दादा गोरे। मैं वीरापुर का पटेल चोला राय। झूठ बोलता है। मैंने जो हार फेंका तो आप ही के गले में गिरा था ना? वो है ना, वो हाथ ऐसे है कि निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, चल निकल। बहुत प्यारा वैशाली, वैशाली, मेरा नाम वीरापुर का चोला राय, प्यार से मुझे चोला कहते हैं। चोला राय है, बहुत आया चोला राय। तू डांस देख चुकी हो ना? तो खेलने फिर यहाँ क्यों आए हो? ये अंगूठी आपको पहनाने आया हूँ। खाली नहीं है ना? पैर तो है ना? ठीक नहीं रहेगा ना? एक पर डाल कर तो देखो ना। बस हो गया। तुम बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। अगर तुम हाँ कहो तो मैं सारा घर बार तुम्हारे नाम कर दूंगा। हंस गया गधा कहीं का। कुछ भी हो तुम तुम्हारे गांव मत जाना, यहीं रह जाओ। हम दोनों मिलकर जिंगले जिंगले नाचेंगे नाचेंगे, जिंगले जिंगले नाचेंगे नाचेंगे। ये अनोखी चीज ऐसे बंदर के हाथ में फंस गई है। राजू, राजू, गीता, इधर हूँ मैं। कहाँ जा रही हो, इतना तैयार हो के? मैं नाना नानी को देखना चाहती हूँ, साथ में चलो ना। अभी? आ। मेरे पास फुर्सत नहीं है। राजू, गीता, तुम कितना भी कहो आज मैं नहीं आ सकता, मुझे बहुत काम है। कल परसों जाएंगे ना? राजू। जीजा जी। हाँ, वो काम छोड़कर पहले गीता को नानी के घर ले जाओ। ठीक है जीजा जी। बीबी, गीता, गीता। हाँ राजू। नाना नानी के पास जाना था ना, चलो जाएंगे। अब जाने भी दो राजू, आपको बहुत काम है ना, कल परसों चले जाएंगे। काम तो रोज होता है, तुमने इतने प्यार से पूछा, चलो जाएंगे। चलो भीमा, चलो। राजू, क्या है? गाड़ी में नहीं चलूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर किस में जाएंगे? तब तैयारी करके आई हो तुम। चलो। राजू। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? वही जीजा जी। डैडी, राजू के साथ मैं नानी को देखने जा रही हूँ, बस अभी लौट आऊंगी। ये सब क्या झमेला है? जीजा जी, आपको अभी जाना है क्या? देखिए जीजा जी, गीता आपकी आवाज में बात करके मुझे लेके जा रही थी, मुझे कितना काम है फिर भी समझती नहीं है। डैडी प्लीज, डैडी, नानी को देखकर आती हूँ, इसे ले जाने को कहो ना। ठीक है, ले जाओ ले जाओ। ठीक है जीजा जी। गीता, नाना नानी से आज ही मिलना था क्या? बाद में नहीं मिल सकती थी? वो नहीं बाबा, सिटी से मैंने उनके लिए कुछ कपड़े लाए हैं, वो देना है। क्या बात है,
सिर्फ नाना नानी के लिए ही, मेरे लिए कुछ भी नहीं। तुम्हारे लिए भी शर्ट पैंट लेकर आई हूँ। शर्ट पैंट? अभी से तुम्हें यही पहनना होगा, ये धोती वोती नहीं। क्या हुआ राजू? कुछ नहीं। गीता, गीता क्या कर रही हो? क्यों रुक गए राजू? पीछे पीछे बैठी हो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम आगे आकर बैठो। आगे? हाँ। वाओ। क्या हो गया? कुछ नहीं। माय स्वीट राजू। कुछ बात करना राजू। कितना बकबक करती हो तुम गीता, चुपचाप बैठी रहो। अरे ए, 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 क्या कर रही हो तुम? नीचे उतरो, नीचे उतरो। घर नजदीक है, चल कर जाएंगे। राजू चलो। मैं नहीं चल सकती, मेरे पैरों में दर्द होता है। प्लीज राजू साइकिल से ले चलो ना। एक दूंगा तुम्हें अभी, फालतू में परेशान करके रखा है। चलो अभी यहाँ से साइकिल पे जाना है। राजू क्या है? क्या है? कोल्ड ड्रिंक्स। वो कलर पानी, वो पानी पीने से पेट खराब हो जाता है। फालतू जिद मत करो राजू। कितने बड़े कंजूस हो, 10 रुपए खर्च करोगे अपनी जेब से तो बहुत बड़ी कमी हो जाएगी क्या? मैं कंजूसी नहीं कर रहा हूँ, मैं पैसे बचा रहा हूँ। इसीलिए किस लिए कर रहा हूँ मैं, पता है? मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्यों? कल जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, उस महापुरुष को, मेहमानों को कितने सारे भेंट देने पड़ेंगे, इसलिए। ओहो, मुझसे शादी करने वाला बहुत ज्यादा देने वाला है क्या? आने दो, देखती हूँ। गीता तुम अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ। जाओ। नाना, नानी। कौन है? नानी माँ। अरे रे 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 रे, आजा आजा। नानी। आजा मेरी बेटी। नानी वाह। कैसी हो बेटी, कब आई? 2 दिन हो गए नानी। 2 दिन हो गए? हाँ, राजू से कहती हूँ लेके चलो लेके चलो, आज ही जाके लेके आया। वो हमेशा ऐसे ही करता है, कुछ भी हो वो लेकर तो आया ना। वही ना। वो तो ठीक है नाना, अच्छे हो ना? अच्छा हूँ बेटिया, बैठो ना। नाना ये आपके लिए। ऐसा क्या? नानी ये आपके लिए, अच्छा है ना? अच्छा है। बहुत अच्छा है। हम लोगों को याद रखकर ये सब लाई हो ना, मेरी प्यारी बच्ची। सिर्फ किस, खाने को कुछ नहीं दोगे क्या? ए, तुम्हारे पसंद के लड्डू बनाए हूँ। लड्डू? ऐसे क्या देख रहे हो, जाकर लाइए ना। कहाँ रखी है? रसोई घर में और कहाँ। ऐसा क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं है। बेटी घर में सब ठीक है ना? बहुत अच्छे हैं। मेरी प्यारी बच्ची। बेटी, ये लो। कल इससे हम उठा कर खिलाते रहते थे और अब इतनी बड़ी हो गई है। सिर्फ वही नहीं नाना, मेरी शादी की उम्र हो गई है, अपने दामाद से कहकर मेरी शादी करा दो ना। ये कौन सी बड़ी बात है, नगद है तो नारायण भी है, अगर तुम्हारे पिताजी चाहेंगे तो एक राजकुमार को भी ला सकते हैं। मुझे राजकुमार वगैरह नहीं चाहिए, राजू ही ठीक है। क्या कहा? अब आम के बारे में बात कर रही थी। गीता माँ कैसी हो तुम? पिताजी कैसे आप? चलो चलो टाइम हो गया, चलो। इतनी जल्दी क्या है, तुम आते नहीं हो, आते तो रुकते नहीं हो, कम से कम इसे तो थोड़ी देर रुकने दो। इतनी देर यहाँ थी बस नहीं हुआ। गीता तुम चलो जल्दी। राजू तुम अचानक आए हो, थोड़ा खाना खा के तो जाओ। नहीं माँ, दीदी जीजा वहाँ हमारा इंतजार कर रहे होंगे, हमें जाना होगा। सुनो मैं तुमसे कह रही हूँ ना, थोड़ा तो खा के जाओ। ठीक है माँ, पिताजी लड्डू देना। ये सब मुसीबत की वजह से मैं घर पे नहीं आता। ए ये भी तुम्हारा ही घर है। अरे हाँ भूल ही गया, पिताजी वो लड्डू देना। अरे डब्बा ही दो ना। अरे आप भी खा लीजिए ना। खा लीजिए। राजू दीदी को दोगे क्या? मेरा सोना बेटा। चलो चलो जाएंगे। आती हूँ नानी, आती हूँ नाना। बेचारी बच्ची थोड़ी देर और रुक सकती थी, जबरदस्ती उसे लेके गया। घर बार अपने लोग, ऐसी अकल उसे कब आएगी मालूम नहीं। सब भगवान की इच्छा है। कंजूसो, 10 रुपए खर्च करोगे अपने जेब से तो बहुत बड़ी कमी हो जाएगी क्या?
राजू। अरे भूत भूत भूत। राजू राजू मैं हूँ गीता। राजू राजू मैं। गीता तुम क्या हुआ? गीता तुम इतनी रात को क्या कर रही हो? राजू सुनो, एक बात बताती हूँ, शायद तुम्हें अच्छा ना लगे। क्या बात है? राजू मुझे रात में अचानक से कभी कभी नहीं दिखता है। रात में दिखाई नहीं देता? ये बात जीजा दीदी को बताना होगा। राजू सुनो, मम्मी डैडी को मत बताना, परेशान हो जाएंगे बहुत। तुम्हारा कहना भी ठीक है, तुम चिंता मत करो गीता, शहर जाकर अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, तुम्हारा इलाज करवाएंगे। नहीं होगा राजू, बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया था, सब कहते मेरी आंखें ठीक नहीं होगी। हे भगवान, क्या हो गया, ये सब क्या हो गया? राजू मैं अंधी हूँ ये समझकर मुझसे कौन शादी करेगा? क्यों, शादी क्यों नहीं होगी? मैं हूँ ना, कल सुबह होने से पहले लड़कों की लाइन खड़ी कर दूंगा। वो सब क्यों राजू, मुझसे तुम शादी कर लो। मैं, देखो गीता तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और मैं यहाँ मिट्टी में काम करता हूँ, हमारा मेल कैसे होगा? क्यों नहीं कर सकते हो? तुम्हारा मतलब है मैं अंधी हूँ ना, इसके लिए नहीं शादी करोगे? गीता ऐसी बात नहीं है, वो तो मैं इसका मतलब तुम मुझसे शादी कर लोगे ना? अगर कोई नहीं करेगा तो मैं जरूर कर लूंगा। कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। तुमको भी मैं पसंद नहीं हूँ इसलिए मुझसे ऐसी बात कर रहे हो? राजू जाओ, मैं नहीं बात करूंगी तुमसे। ठीक है मैं कर लूंगा। कर लोगे ना? कर लोगे ना? मेरे प्यारे राजू, आई लव यू राजू, मेरे प्यारे राजू। बस हो गया, जाओ जाकर सो जाओ। हाँ राजू मुझे नींद आ रही है, मैं यही सो जाती हूँ। अरे क्या कर रही हो, जाओ यहाँ से तुम, सब लोग जाग जाएंगे। मैं नहीं जाऊंगी, मैं यही सो जाऊंगी। चलो 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 जाओ यहाँ से, छोड़ो ना प्लीज। चलो क्या हो गया राजू? कुछ नहीं, तुम अंधी हो ना, तुम्हें कुछ दिखेगा नहीं। चलो 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 जल्दी। तू सवेरे सवेरे सब लाइन में आकर खड़े हो गए, किसी को जरा सी भी शर्म नहीं है। तू ए दूध वाला भाई, क्या हो गया रे, कौन है ये सब लोग हैं? ये सब इस घर के पालतू कुत्ते लोग हैं। तुम्हारी तरह। ए बेवकूफ हरामी, कहीं के मेरे हाथ में लगा था तो तुझे देख लूंगा। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुतता डुलता कार्टून कौन है? मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू? आई रुक मस्तानी कब आएगी तू? एक वाटर बोतल। इधर वीरापुर का पटेल चोला राय नाम का आदमी रहता था, अब वो कहाँ है? वो तो फॉरेन चला गया। ये साउंड कहीं सुना हुआ लगता है। भाग 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 भाग। अरे रे भाग, बाप रे बच गया। पकड़ लिया वीरापुर पटेल। कैसे पहचान लिया? ऐसा रूप बदलकर तुम्हारे सिवा और दूसरा कौन हो सकता है? थोड़े दिन पहले तो मैं ही वीरापुर का पटेल हूँ, मैं ही वीरापुर का पटेल हूँ, ऐसा डिंग मारते फिरते थे। और मेरे पास 7 एकड़ जमीन, बाग, जिस घर में वैशाली रहती है वो सब उसके नाम कर दिया। और अब ऐसी हालत में आ गया है तू बेवकूफ आदमी? इसीलिए मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद थोड़ी बुद्धि तो होनी चाहिए ना। ए देखते रहो, एक ना एक दिन इसे भी निकाल कर फेंक दो, नंगे घूमोगे तो अच्छे लगोगे। वैशाली आ जा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। वैशाली आ जा, मेरी गाड़ी में आओ, आओ। आ जा। जल्दी आओ वैशाली, आओ क्या रही हो, मेरी गाड़ी में आओ, आओ वैशाली ना। वो कौन है? पाटिल राव है, शीलापुर के जिला प्रेसिडेंट है, और ये गोविंद पवार है, मंडी मोहल्ले में इसका सोने का दुकान है। वैशाली मैं हूँ, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। गोल्ड 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 रोल्ड गोल्ड। वो दादा गोरे शिवपुर का सेठ है, 40 एकड़ बाग है, गन्ने का खेत है और बहुत कुछ है। इन सभी से बड़ी पार्टी है।
पूजा का सामान उसी की गाड़ी में रख दो। अरे चोला राय, देखा ना 40 एकड़ जमीन का कैसा प्रभाव होता है। इस सब के लिए किस्मत होनी चाहिए, किस्मत। जानता हूँ, आगे मेरी किस्मत होगी। औलाद किस्मत की बात करता है। आ गया से। देखा ना। चढ़ूंगी कैसे? मेरी जांग पर, मेरी जांग पर। तू ही 10 फुट की दूरी पर पीछे पीछे आओ। गाड़ी आगे ले। प्यार में जो सुख है वो मालूम ही नहीं था, अब मालूम पड़ गया। इस अंधे को दे दे भैया 1 रुपया। मैं भूखा मर रहा हूँ, दे दो भैया। ए बहन। ए इधर देख। कहाँ रे क्या? अरे उधर नहीं, इधर देख। किधर? अरे इधर देखना। अरे वैशाली हमारी तरफ ही आ रही है। क्या देखता है भाग? मजा आ गया वैशाली, तुम्हें देखने के लिए मैं बहुत इंतजार कर रहा था। आज तुम्हारे दर्शन से मेरा जीवन सफल हो गया। सफल क्या, अति सफल हो गया। इस छमिया को एक बार तो छूना ही पड़ेगा, न तो जिसने इसे छुआ है उसका चुम्मा मिला तो बहुत है। माँ। हाय। दे दे भाई। क्यों रे चोर की औलादों, अभी तो तुम लोग दोनों वैशाली को देखकर उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहे थे और हम लोगों को देखकर अभी अंधेपन का नाटक कर रहे हो क्या? वैशाली को देखने के लिए 2 आंखें चाहिए, तुम जैसे आदमी को देखने के लिए आंखों की क्या जरूरत है? भिखारी की औलाद, इसीलिए मैंने मना किया था कि तू मेरे साथ मत आना। जल्दी इस बाजू आ, तेरे को ही बोल रहा है। दोनों को ही बोल रहा हूँ मैं। माँ, दे दो भाई। बहन, कुछ तो दे दो। साले भाई, ये बटलिया साला हमसे भी ज्यादा चालू लगता है। अथु, दे दो भाई। वैशाली, ये हमारी गाड़ी नहीं, हमारी गाड़ी पीछे है। मुझे मालूम है, तुम अपनी गाड़ी में जाकर बैठो, मैं आती हूँ। ये गाड़ी किसकी है? इस गांव में श्री रामचंद्र माने जाते राज गौड़े जी की है। पूरा गांव मुझे देखने को तरसता रहता है, लेकिन मुझे ना देखे और मैं खुद मुड़कर उसे देखूं, ऐसा ये पहला आदमी है। खबरदार जो हाथ लगाया। क्या हुआ? भीमा आगे नहीं जा रहा है। भीमा, we'll be right back.
अरे रे क्या हुआ? बाप रे बहुत खून बह रहा है, आइए हमारे साथ चलिए। परवा नहीं, आइए आपके घर छोड़ दूंगी। छोड़िए, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है, कितनी बड़ी चोट लगी है, कैसे जाएंगे? आइए ना। नहीं नहीं बस आइए। मैं मदद करूं? तुम दोनों यहीं रुककर वो गाड़ी रिपेयर करके भेज देना। क्या हुआ रे, क्यों हंस रहा है तू? गाड़ी तुम्हारी, सवार उसकी, तुम तो बस। एक गुस्सा लगाऊंगा ना, पत्ती सी बाहर आ जाएगी बेवकूफ की औलाद। इतना गुस्सा क्या फायदा, मैं तो खुद अपने आप पर हंस रहा था। आइए। गाड़ी यहाँ क्यों रोकी? ये मेरा ही घर है, अंदर आइए। मुझे जरूरी काम है, जल्दी जाना है। क्यों, गरीबों के घर आना मना है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी ही आऊंगा मैं। अरे रे आपके पैर में चोट है, दवा लगाती हूँ, आइए ना। कृपा करके आइए ना। बस आइए आइए, बैठिए। वहां नहीं, इधर बैठिए। अरे नहीं छोड़िए अब। अरे इतना खून बह रहा है और आप मना कर रहे हैं, छोड़िए ना। नहीं मैंने मैंने कुछ नहीं देखा। छी छी चोर, मुझे मालूम है आप मुझे ही देख रहे थे, आपके मन में जो चल रहा है आपकी आंखों से दिख रहा है। क्यों डरते हो क्या? मैं किसे डरता हूँ? मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? एक लड़की के साथ रहने वाले को राम कहते हैं, पांच छह लड़कियों के साथ रहने वाले को रसिक कहते हैं। आप मेरे रसिक हो ना? या आपकी उम्र हो गई है? जब आपका मन पूछता है और मेरा मन देना चाहता है तो सोचना क्या? राजू, गीता तुम क्या कर रही हो, नींद नहीं आ रही? राजू मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, मेरा सोच सोच के दिमाग खराब होता है। अरे थोड़ी देर यही रहती हूँ ना। बैठो, तुम्हारे अंधेपन को कैसे ठीक करूं यही सोच रहा था, तुम इस टाइम पे यहाँ क्यों आई? क्यों नहीं राजू, राजू बहुत ठंड लग रही है ना। तुम अंदर जाकर सो जाओ, ठंड नहीं लगेगी, चलो जाओ यहाँ से, चलो चलो उठो उठो। राजू राजू मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने दो। नहीं ना, नहीं घर चलो, चलो चलो अंदर। अरे बाप रे, सारे कपड़े गंदे हो गए राजू, मुझे स्नान करा दो। मैं कैसे स्नान करा सकता हूँ? ऐसे ही क्या? हाँ चलो चलो जाओ। अरे अरे रे, सारे कपड़े गंदे हो गए। राजू राजू प्लीज मुझे नहला दो। नहला दूँ? सॉरी राजू, मैं ऐसे ही जाके सो जाती हूँ, मम्मी डैडी मुझे देखे तो। अरे रे नहीं नहीं नहीं, मैं नहलाता हूँ ना तुम्हें, मैं नहलाता हूँ। <आ, आ, आ, laughs>
हाँ आ रहा हूँ, ये लो। गीता तुम्हारी साड़ी ठीक करो। क्या हो गया राजू? तुम्हारा दुपट्टा ठीक करो। लेकिन मुझे नहीं दिखता है राजू। अरे मुझे तो दिख रहा ना। आओ। क्या हो गया राजू? मेरी लुंगी क्यों निकाल रही हो? ओह लुंगी है, मुझे टावल लगा। अरे इसके अंधेपन का क्या करूं मैं। हे भगवान, कुछ भी करके मेरी गीता की आंखें ठीक कर दो। ए मंजू। हाँ? इधर आ। क्या हुआ भाई? पॉकेट से माचिस निकालो और ये जलाओ। ना ना मैं नहीं कर पाऊंगा। निकालो निकालो। क्या हो गया पप्पू, क्यों घबराए हो? वो राजू भैया मंदिर में अपने हाथ में कपूर जला रहे हैं। इसीलिए? ये क्या बचपना है, मुझसे झूठ कहा तुमने, मुझे संकट में डाल दिया। तुम्हारे अंधेपन के बारे में सुनकर मेरा दिल टूट गया। तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए इसलिए मैंने ये सब किया। मैंने भगवान की पूजा की और तुमने मुझे ही दुख दिया। राजू सुनो, कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ पर मैं झूठ सहन नहीं कर सकता कभी भी। छे राजू, राजू रुको, राजू सुनो मेरी बात, रुक जाओ राजू। मैंने झूठ बोला था इसलिए मुझे छोड़कर जा रहे हो ना? जो मैं सचमुच अंधी हो जाऊंगी तो शादी करोगे ना? मैंने जो झूठ बोला था उससे मैं सच कर दिखाऊंगी, मेरी गलती का यही प्रायश्चित करूंगी। गीता, नहीं गीता, नहीं।
हो प्यार तुम्हें कब से सनम, तुमको तो होना है मेरी दुल्हन। आज मुझे प्यार करो, हाँ जी भर के प्यार करो। करती हूँ प्यार तुम्हें मेरे सनम, करता हूँ प्यार तुम्हें कब से सनम। करल तुझे मैं बाहों में भर ल तुझे, सागर में मिलती है नदियां सारी जाकर। सुन ले तू मुझसे मिलना तू भी आकर, प्यार मिला स्वर्ग मिला। अब न रुको अब न रुको, चुंबन में तुझको करूं। जब से मिला जहाँ ये है लगता नया, समा भी है लगता नया। बीते दिन ये रात यहाँ तुझे याद कर करके, तू कर प्यार जी भर के। हाँ मौसम कहता है अब तो न हम देर करें। कब से सनम, तुमको तो होना है मेरी दुल्हन। आज मुझे प्यार करो, हाँ जी भर के प्यार करो। कुछ भी कहो तो सिर खुजाने लगते हो, जाओ पूरा पी लो। हाँ देखो घर के लिए चावल लेकर आना बेवकूफ। नीचे उतरो। ये पूछने वाले तुम कौन हो? ये गाड़ी मेरे जीजा जी की है। ओ, तुम उनके साले हो क्या? ऐसा है तो तुम भी मुझे चाहिए, आ बैठो। सीधी तरीके से नीचे उतर जाओ नहीं तो। ऐसे क्यों खींच रहे हो, मुझे हाथ लगाना चाहते हो क्या? क्या करे, सब लोग मुझे हाथ लगाने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढते हैं। चल उतर नीचे।
राजा, राजा, क्या जीजा जी? वैशाली को गाड़ी से क्यों उतारा? ऐसा क्यों किया तुमने? मेरी दीदी की जगह पर अगर कोई और आकर बैठ जाएगा तो क्या मैं चुपचाप देखता रहूंगा? मुझसे नहीं होगा। वहां किसे बिठाना है किसे नहीं, फैसला करने वाले तुम नहीं मैं हूं, समझे? जाओ, जाकर उससे बोलो कि गलती हो गई। मैं क्यों उससे माफी मांगू? राजू, डैडी, राजू ने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी माफी मांगनी होगी? माँ के जगह पर अगर कोई दूसरी बैठेगी तो वो चुप रहेगा क्या? मेरे खिलाफ बात करने लगी बेटी। राजू, माफी मांगोगे या नहीं? मैंने कोई गलती नहीं किया जीजा। वाह, सब लोग बड़े आदमी हो गए, संतुष्ट हो गया मैं। लक्ष्मी, भाई और बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं, छोटे बड़े की मर्यादा ही नहीं है। इस घर में मेरी बात की कोई कीमत ही नहीं। राजू, वैशाली से जाकर माफी मांगो। क्या दीदी, आप ऐसा कह रही हैं? मेरे स्वाभिमान और गौरव का क्या? दीदी, कहाँ जा रही हो? वैशाली के घर। दीदी, जितना मुझे अपने स्वाभिमान पर गौरव है उससे कहीं ज्यादा गौरव मुझे मेरे पति पर है। तुम दोनों उनकी बात नहीं मानोगे तो क्या मैं मानूंगी उनकी बात? और उनके मन को मैं दुखी नहीं देख सकती। नहीं दीदी, आपके और जीजाजी के मन में इतना दुख है तो मेरे स्वाभिमान गौरव की मुझे परवाह नहीं, मैं ही जाकर माफी मांग लूंगा। अब तो बुझा मेरे इस तन के प्यार, अब तो
जी के कहने पे आया था मैं तुमसे माफी मांगने के लिए, तुम्हारे साथ रंगरलिया मनाने के लिए नहीं, समझी? ठीक काम कराए क्या? महारानी से माफी मांग लिया? तुम में आगे पीछे सोचने की ताकत नहीं है क्या? कोई कुछ भी कहे सिर हिलाकर मान लेते हो, कुछ भी कहे तो मानोगे क्या? हाँ, मेरी बहन की खुशी के लिए और मेरे जीजा के गौरव के लिए मैं कुछ भी करूंगा। क्यों मालूम है? मेरे पांव इस घर में पड़ते ही बहन ने एक बात मुझसे कही कि जीजा सिर्फ मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए भी भगवान है। अब उस भगवान ने गलत किया ना? देखो, हम गलत करेंगे तो दंड देने के लिए भगवान है, भगवान ही गलत करेंगे तो उसी को सही समझ लेना चाहिए, नहीं तो अपना रास्ता बदल लेना चाहिए, फिर से गलती नहीं करनी चाहिए। उसका मतलब वो जो भी कहेंगे मुर्गी की तरह सिर झुकाकर मान लोगे? गीता, तुम कुछ भी कहो मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मैंने अपनी बहन के घर में आकर अपनी माँ का प्यार खोया नहीं, अब भी वो स्थान मेरी बहन पूरा कर रही है। मेरे सुख दुख सब में मेरी बहन ही है, वो सिर्फ बड़ी बहन ही नहीं
बल्कि मेरी माँ जैसी है, और यही सबसे बड़ा सच है और कुछ भी नहीं। तुम्हारी बहन देवी है, उनकी बातें मानना न्याय है, लेकिन जीजा की गलत बातें मानना न्याय है क्या? वो सब मुझे मालूम नहीं। मेरी बहन मेरे लिए देवी है और जीजा मेरी बहन के देव हैं। अगर मेरी बहन सुखी है तो मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। ले लीजिए। शो। आप बड़े वो है। क्यों ला रहा है? तुम कुछ भी बोलो। राजा विस्की में जो नशा है वो किसी और में नहीं है। करेक्ट। गुरु, आ गया, आ गया, आ गया। अरे बाप रे, मर गया। अरे बाप रे। क्यों भैया, क्या हुआ? मेरे सिर को कोई हथौड़ी से फटाक 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 मार रहा है, ऐसा लग रहा है। क्यों? वो राजू अपने रुद्र को बीच रास्ते में सबके सामने कुत्ते की तरह घसीट घसीट कर इस तरह मार रहा था, और सारे देखने वाले उसके ऊपर थूक करके थूक रहे थे। ये हमारी बेइज्जती नहीं है क्या? बेइज्जती नहीं है क्या? उसके लिए वो रुद्र खुद चिंता नहीं करता, तुम क्यों चिंता करते हो? ऐसी बातें करता है बेवकूफ की औलाद। क्यों, क्यों? रुद्र कौन है पता है? वो मेरा खास दोस्त है। उसको कुछ हुआ मुझे कुछ हो जाएगा। उसके साथ अन्याय हुआ मेरे साथ भी हुआ, समझो। क्या बोलते हो? कर रहे। वो अपमान की बात सोचता हूँ तो मेरा खून बल 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 करके उबलने लगता है। अरे तो ठंडा है। चुपचाप बैठे बेवकूफ। वो साला रास्ते में खुल्लम खुल्ला घूमते फिरता है, लेकिन उसके जीजा जी छुपे रुस्तम की तरह कब आते हैं कब जाते हैं पता ही नहीं चलता। चुप रहो जी, बेचारा सबके सामने आकर जा सकता है क्या? कैसी बात करता है तू। वैशाली भी तो एक लड़की ही है ना, उसके मन में भी आशा उमंग तरंग है। किसी भी दिन तो वो मंदिर तो जाएगी ना, दुकान में शॉपिंग करने जाएगी ना। छोड़ रे, कोई अच्छी है कोई बुरी है कोई क्या करती है इसके बारे में पूछताछ क्या करना? वही है दादा गोरे होता ना तो वैशाली को उसके भाई को सिर पर बिठा के पूरे शहर में घुमाता। देखते जाओ मैंने जो चाल चली है उसका असर कैसा होता है। परवाह नहीं भैया, तुमको भी किडनी है। तू? क्यों? वो किडनी नहीं है रे। नहीं तो और क्या है? लिवर है। मूर्ख है। क्या बोला तू? सच्ची बात कही है यार। जीजू, जीजू। क्या जीजू, आप भी जब चाहे आते हो जब चाहे जाते हो, एक दिन भी आप मेरी बहन को बाहर लेकर गए हो क्या? उसे क्या चाहिए आपने कभी पूछा क्या? वो भी आपके साथ घूमना फिरना चाहती है लेकिन आपसे कहने से डरती है। ऐसी क्यों बैठी हो, बोलो ना। नहीं छोड़ो ना, मुझे चार आदमियों के सामने ले जाने से इनकी इज्जत कम होती है। चाचा, ऐसी कोई बात नहीं है, समय आने पर तुम्हें ले जाऊंगा। दीदी, गीता, जल्दी चलो। ठहरो, आती हूँ। कहाँ गाड़ी भागी जा रही है? अरे जीजा जी मंदिर में इंतजार करते होंगे, चलो जल्दी चलो। भैया, जो हम सोचते हो जाएगा ना? हो जाएगा। देखते जाओ, तेरी समझ में सब आ जाएगा। अगर नहीं हुआ तो थूक। नमस्ते। नमस्कार ठाकुर साहब। ठाकुरायन नहीं आई? हाँ आती होगी, शुरू कीजिए। वो आएगी? आ जाएगी, मतलब आ जाएगी, समझा? भैया वहाँ देखो। अरे कहा ना, वहाँ देखो। अरे अरे उधर देखो। क्यों ला रहा है? ऐसा कैसे हो गया यार? छे, तुमको ऐसा नहीं होना था। कौन उल्लू का पट्टा तुम्हें ऐसा आइडिया दिया था? क्या सोचने लगे आप? लीजिए। रुक जाओ। आज की पूजा के लिए कपड़ा देने का हक मेरी बहन का है, इसका नहीं। राजू, जीजा जी
अग्नि को साक्षी मानकर दीदी से शादी की थी। उसको गांव वालों ने आशीर्वाद भी दिया था, इसीलिए भगवान की पूजा मेरी बहन के हाथों ही होनी चाहिए। पूजा किसके हाथों होनी है किसके नहीं, ये फैसला मैं करूंगा। पुजारी जी आप शुरू कीजिए, आज की पूजा वैशाली के हाथों से होगी। वो इस जन्म में नहीं होगा। तुम चुप रहो। मैं क्यों चुप रहूं दीदी, जीजा जी बोले तो ठीक, जीजा जी बोले तो ठीक, यही कहकर उनकी हर बात मानी मैंने। आज तुम पे अन्याय होते देखकर मैं चुप रहूं क्या? आज जीजा जी क्या, भगवान भी आए तो ये पूजा मैं इसके हाथ नहीं होने दूंगा। ए, मेरा खाना खाकर मेरे खिलाफ बोलते हो? इसीलिए जीजा जी आपको आपकी गलती बताकर सुधारने के लिए पूछ रहा हूं। वो सब पूछने वाले तुम कौन हो? रुद्रा पूजा के कपड़े दो, कौन बीच में आता है मैं देखता हूं। लो पुजारी जी लो इसे। हाथ आगे बढ़ाया तो काट डालूंगा। तुम में इतनी हिम्मत आ गई है? काटो काटो, हिम्मत है तो काटो, आओ काटो काटो मुझे। देखो जी हम लोग भी तब से देख रहे हैं, मंदिर में आपका क्या झगड़ा हो रहा है। ओए, इस मामले से दूर रहिए, टांग मत अड़ाइए आप। देखो जी आप इस गांव के बड़े आदमी, इसका मतलब ये नहीं कि इस पवित्र मंदिर में आप जो भी करें वो हम देखते रहें। इस लड़की को मैंने पसंद किया है, इसे लेकर आना मेरी मर्जी है। तुम्हारी पसंद नापसंद अपने घर में रखो, ये औरत अब मंदिर में पूजा करने के लिए भी आ गई है। सब मुझे क्या देख रहे हो, सब बोलो ना। देखो तो सोने जैसी बीबी को घर में रखकर दूसरी बीबी को लाया कैसी दुर्बुद्धि है। जवान बेटी घर में होते हुए बाप की नौटंकी तो देखो, बेशरम को देखो, इतना होने के बावजूद यहीं पे खड़ा है। एक कदम और बढ़ाया तो इंसानियत छोड़ दूंगा। जीजा जी कौन है तुम्हारा जीजा? इस घर में नौकर के लायक भी नहीं हो, फिर भी तुम्हें इस घर में मालिक की तरह बिठाया। इतने सालों से इस गांव में लोगों के बीच बनाई मेरी इज्जत को तुमने मिट्टी में मिला दिया। जीजा जी मेरी बात तो सुनिए। तुम कौन से इस गांव के मुखिया हो कि तुम्हारी बात सुनो? इस राजे गौड़े को बोलने की आदत है सुनने की नहीं, आज से यहाँ कदम नहीं रखोगे, जाओ। दीदी तुम तो समझाओ ना मैंने क्या गलती की है। गलती है, मेरे पति ने जो भी किया गलत या सही उन पर उंगली उठाने के योग्य तुम नहीं हो। गीता कम से कम तुम तो। डैडी की बात समझ में नहीं आती क्या? उल्टे सीधे काम तुम करो और हम तुम्हें माथे पे बिठाकर पूजा करें क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं तुमसे प्यार करता हूँ गीता। तुमको मेरी बेटी से प्यार करने की हिम्मत कैसे हुई? कैसे हुई तुम्हें? मैंने तुमसे कब प्यार किया? हाँ जो मैंने तुमसे दो चार अच्छी बातें कर ली तो उसे तुमने प्यार समझ लिया क्या? देखो मुझसे शादी करने की क्या योग्यता है। कोई नीति होती है, कुत्ते जैसे प्राणी को भी हम खिलाते पिलाते हैं, लेकिन जब वो
हिलाने वाले के पैर को काटने आता है तो उसे बाहर निकालना पड़ता है। क्यों बोलो? क्योंकि उसकी नियत खराब हो जाती है। पिताजी, उससे क्या बात करना? इतने सालों से किए गए मजदूरी उसके मुंह पर फेंक दो। अंदर चलिए। वो मेरी लड़की है, समझे? दीदी, देखो दीदी, तुम्हारे सामने जीजा जी और गीता कैसी कैसी बातें करके चले गए। उनकी बातों में क्या गलती है? हाँ, तुम तो नौकर ही हो। प्यार विश्वास के नाम पर अपना घर भूलकर तुम इधर आए। देखो, इसीलिए इतना कुछ हो गया। उनके लिए दिन रात एक करके तुमने काम किया, वो सब आज से बंद। ये उनका घर है, पसंद है तो रख लेंगे, नहीं पसंद होगा तो निकाल देंगे। उनका मन कठोर हो गया है। और तुम यहाँ क्यों खड़े हो भाई? जाओ, चले जाओ यहाँ से। और एक मिनट के लिए भी अब मेरी आंखों के सामने खड़े मत रहना। इस घर की छांव भी तुम पर नहीं गिरनी चाहिए। जाओ, चले जाओ यहाँ से। राजू, और अब कितना सोचते बैठोगे? भूख नहीं लगती क्या? थोड़ा खाना खा लेना बेटा। भूख है पर खाने का दिल नहीं। पता नहीं दीदी क्या कर रही होगी। दीदी दीदी दीदी, अब तक दीदी का ख्याल गया नहीं क्या? माँ, तुमने मुझे सिर्फ जन्म दिया है, लेकिन मुझे माँ का प्यार दीदी से ही मिला है। उसके बारे में मैं अच्छी तरह से जानता हूं। बच्चे अगर गलती करे तो मां मारती है, बच्चे रोते हैं, मगर बच्चे को मारने का दर्द सिर्फ मां ही जानती है। और वो दर्द दीदी को है, मां दीदी को है। दीदी मेरी देवी है और जीजा जी दीदी के देव। दीदी के खातिर मैं जीवन त्याग सकता हूं। गीता, पैर ऊपर रखो। क्यों रखो राजू? पहले मैंने कहा ना। हाय घुंगरू, कहाँ से लाए राजू? आज बाजार गया था ना। हाँ। आने के टाइम दुकान में घुंगरू देखे, तुम्हारी याद आई तो ले आया। अच्छे है ना? अच्छे हैं। एक और घुंगरू कहाँ है राजू? अरे, दुकान वाला जोड़ी के 400 रुपए बोला, मेरे हाथ में 200 रुपए ही थे, इसलिए एक ही घुंगरू ले आया। क्यों राजू,
एक घुंघरू कोई लगाता है क्या? दुकान वाले ने भी यही सवाल किया, लेकिन मैं कितना बुद्धिमान हूँ कि उसको अब तक समझ में नहीं आया। बुद्धिमान नहीं तो क्या, एक जोड़ी घुंघरू में से एक घुंघरू ले आया, बाकी बचा हुआ एक घुंघरू कौन लेगा? बाद में 200 रुपए ले जाकर एक घुंघरू भी ले आऊंगा, ठीक है? राजू, तुम अपनी जिंदगी में मुझे नहीं चाहती, मेरा दिया हुआ घुंघरू भी नहीं चाहिए क्या? नहीं राजू, ये तुम्हारा घुंघरू नहीं है, दूसरा है। मैं तुम्हारे हाथों से पहनने के लिए लाई हूँ, इसीलिए आई हूँ। ये घुंघरू बंधवाने के कितने पैसे दोगी? ऐसी बातें मत करो राजू, प्लीज मुझे माफ कर दो, उस दिन ऐसी बात करना गलत ही था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, एक धनवान की बेटी घर के नौकर के साथ ऐसे ही बात करेगी जैसे तुमने की, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि गलती मेरी है। राजू, उस दिन अगर मैं तुम्हारा पक्ष लेती तो उस दिन डैडी गुस्से में कुछ ना कुछ जरूर कर डालते, इसीलिए ऐसी बात की थी। मुझे समझने की कोशिश भी करो राजू। तुम लोगों से दूर होकर वैसे ही आधा मर चुका हूँ, मुझे पूरी तरह मत मारो। मेरा यकीन करो राजू, मेरा ये मन बिल्कुल ही पवित्र है, जिसमें सिर्फ तुम्हारी छवि जीवित है। तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, फिर से मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। राजू। गीता। देखा ना नानी, राजू ने कैसे बोला, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। देखो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हमने सब सुन लिया है, रो मत। देखो बेटी, तुम धैर्य और शांति रखो, ये दुख ये आंसू हमेशा के लिए नहीं रहते हैं, दुख के बाद अच्छे दिन भी आते हैं। वो कभी, इसका तो वो ऊपर वाला ही फैसला करेगा। अरे वो क्या फैसला करेगा, फैसला तो मैं करूंगी। चल बेटी, तुमसे एक बात पूछनी थी। क्या नानी? कुछ नहीं, वो पानी में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, देखो तो। किधर? क्या है ये नानी? ए बुद्धू, डुबकी लगा। अरे मैं क्यों डूबू नानी? उसे बुलाना है? नहीं बुलाना है। हाँ तो नीचे जा राजू। अरे नीचे जा। अरे राजू डूब रही है, जल्दी आ। आ गया। मैं बचाऊंगा, मैं बचाऊंगा। क्या कर रहे हो जी? मैं बचाता हूँ, बेटी डूब रही है। हाँ खुद जाइए जी, जाइए ना, कुछ भी बोलो तो आसमान देखने लग जाते हो। राजू उसे बचाओ। अरे तुम्हारी दीदी की लड़की पानी में गिर गई, उसे जल्दी आके बचा ले। अरे जल्दी आ। भगवान। क्या देख रहे हो जी? चलो।
मिल जाओ। क्यों रे, ये बंदर की तरह उछल क्यों रहा था? भैया भैया क्या हुआ? जाओ भैया, तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया है। क्यों रे, क्या हो गया ऐसा? जानते हो हाँ? मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। अरे ये उल्लू की औलाद, तेरे को भी सपने आते हैं क्या? ऐसा सपना था अब तक कभी देखा नहीं, ना आगे कभी देखूंगा। तुम्हें तो ऐसा सपने कभी नहीं आएगा। ऐसा है क्या? अगर ऐसा सपना है तो मुझे भी सुनाना, मैं भी सुनूंगा। शर्मा मत ना, मुझे भी सुनाना। वो वैशाली। वैशाली? ए बोल ना जल्दी। वो वैशाली मेरे कष्ट को सह नहीं सकी और प्यार से मेरे पास आ गई।
अगर हम दोनों साथ होते तो भैया हम दोनों प्यार कर रहे थे तभी वहां पर एक भिखारी आ गया मेरी छाल मेरी माँ ओ बहन जी मुझे खाना दे दो भैया बंदर की औलाद कुत्ते की औलाद सुअर की औलाद गधे की औलाद भीख मांगने के लिए इसी टाइम पर आना था क्या कहाँ से आया तू मैं तो उधर से आया मर गया इतने अच्छे वक्त पर आकर सारा गुड़ गोबर कर दिया वो बेवकूफ आदमी अगर तुम्हारी जगह पर मैं होता ना तो उसको चीर मार कर डाल देता उस उल्लू के पट्टे को तुमने अच्छा मारा था ना लेकिन कौन था वो तुम ही थे मैं था मुझे भिखारी बोलता है गधे की औलाद हम खोर उल्लू के पट्टे तेरी तो चिंपांजी तुझे मैं इश्क कराता हूँ ये ले दादा आओ रुद्रा तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो ये गधे की औलाद टेंट में कोई सिनेमा देखकर आया था उसी की कहानी मुझे सुना रहा था अच्छा अच्छा अच्छी थी लेकिन तुम आज इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो कल से राजगौड़े का घर जायदाद जमीन सब कुछ सब कुछ मेरे हाथ में होगा कैसा लगा ये कहानी सुने से राय हमारे रास्ते का कांटा उस राजघोड़े को रास्ते से कैसे हटाएं ये मालूम नहीं पड़ रहा है। चुप रहो जी मेरे पास एक मस्त आइडिया है इधर रखो तो उधर फटता है राजू भैया क्या हुआ भाई वो वैशाली के भाई रुद्रा ने हम सबको वहाँ से मारकर भगा दिया राजू ऐसा क्यों कर रहे हो पूछा तो कहने लगा ये मेरे जीजाजी की जमीन है मैं कुछ भी करूंगा तुम लोग होते कौन हो आखिर मुझसे पूछने वाले सिर्फ वही नहीं राजू आज वो लोगों को बाहर से भगा दिया कल तुम्हारे दीदी और जीजा को घर से बाहर निकाल देंगे इसकी क्या गारंटी है वो आज जिंदा बचेगा तभी ना राजू गुस्से से काम नहीं होगा उससे कोई फायदा नहीं ये आराम से बैठकर सोचने वाली बात है ये क्या आराम से बैठकर सोचने वाली बात बोलता है घर को आग लगने पर पानी डालने के लिए आराम से सोचेंगे क्या ये सब आप नहीं समझेंगे चुप रहिए राजू वैसे भी तुम्हारे जीजाजी गांव में नहीं है यही अच्छा मौका है तुम सीधे पुलिस स्टेशन चले जाओ रुद्र अपनी बहन से धंधा करवाता है ये कहकर कंप्लेन कर दो फिर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी बस इतना ही फिर तुम्हारे दीदी जीजाजी अच्छे रहेंगे और इस गांव में आए भूत भी भाग जाएंगे क्या बोलते हो मेरे लंगूर दिल करता है तुझे चुप चुप कर गीला कर दूं ये आइडिया तेरे दिमाग में आया कहां से मेरे पिताजी हाई कोर्ट में अनपढ़ गवार तेरे पिताजी हाई कोर्ट में क्या करने गए थे
झूठी गवाही देते थे। ऐसा बोलना तो क्या बात है? इस घर में वेश्या धंधा करती है ऐसा कंप्लेंट आया है, इसलिए मैं आया हूं। नहीं, कौन कहता है? अगर तुम्हें शक है तो कहिए इंस्पेक्टर, क्या बात है? आपका रूम चेक करना है। क्यों? वो सब तुम्हें मैं बाद में बताऊंगा। कौन है अंदर? बाहर आओ। क्या इंस्पेक्टर? ओहो, तो तुम क्या? इस गांव में दारू बनाना गैर कानूनी है, इससे सब परिवार को नुकसान पहुंचेगा, बच्चे अनाथ बन जाएंगे। वाह वाह, ऐसे उपदेश देते हो आप? तुम यहाँ पर कोई नेक काम कर रहे हो क्या? सब गांव वाले तुम्हारी पूजा करते और तुम इस वेश्या के साथ सोते हो। इंस्पेक्टर गुस्सा मत होइए, जुबान को लगाम दो, इस तरह की बातें मत करो। गांव के बड़े आदमी हो, सब कुछ जानते हुए भी तुम इस लड़की के पास क्यों चले आए? इससे शादी कर ली है क्या? अरे उसके गले में मंगलसूत्र भी नहीं दिख रहा है। गांधर्व विवाह किया है क्या, या फिर तुमने कुछ और ही किया है क्या? हमसे पुरानी दुश्मनी निकाल रहे हो क्या? दुश्मनी नहीं नहीं, उस दिन मैंने गलती की थी, जीजा साला मिलकर मुझे पिटा, मैं चुप था। आज गलत तुम हो और सबक सिखाऊंगा मैं। तुम्हें पीटने की इच्छा तो है लेकिन क्या करूं, कानून का बंधन है मुझ पर। कंप्लेंट लेकर तुम्हें अरेस्ट करने आया हूं और ये कंप्लेंट करने वाला तुम्हारा साला ही है। इंस्पेक्टर मैं अपनी कंप्लेंट वापस लेता हूँ, कृपया चलिए। ए अब तुझे क्या हुआ? हाँ, वैशाली के घर गांव वालों के साथ मिलकर ये कंप्लेंट करने वाले तुम हो और यहाँ अपने जीजा को देखा तो बात ही बदल डाली तुमने। हाँ ए, इस तरह मुंह क्या देख रहे हो? अरेस्ट करो। वन मिनट, देखिए मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये बहुत बड़े आदमी है, इनको अरेस्ट करके इस तरह इनका अपमान मत कीजिए, चाहिए तो मुझे अरेस्ट कर दीजिए। ए, तुम्हारे इस तरह हाथ जोड़ने से और मेरे पाँव पड़ने से कोई फायदा नहीं, कानून सबके लिए एक है, एक हथियार है। तुम जो कुछ भी कहना चाहती हो वो कोर्ट में आकर कहो। हाथकड़ी डालो इसे। जीजाजी, नहीं जीजाजी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, कृपया मेरी दीदी के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। देखिए देखिए, मेरी गलती की सजा मुझे दीजिए जीजाजी, आप चाहे तो मुझे मार डालिए, मेरी दीदी की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। ये बात अगर उसे पता चली तो वो ये बात सहन नहीं कर पाएगी, वो मर जाएगी। जीजा जीजा, बात सुनिए जीजाजी। मंगल सूत्र नहीं था इसीलिए वेश्या कहते थे। भैया नहीं भैया, मेरी बात सुनो। कौन सी दुनिया में डूब गए तुम? मरने जा रहे हो? हाँ, वो नहीं तो दूसरा देखो,
जानते हो मैं 7 एकड़ जमीन का मालिक हूँ, मैं अनुभवी हूँ, मेरी बात सुनो, तुम्हारे आगे बहुत जिंदगी पड़ी है। ठीक है छोड़ो, मेरे इतना कहने पर भी तुम मरना चाहते हो हा? तो फिर ठीक है, कोई क्या कर सकता है। भैया तुम कुछ भी मत सोचो, बेफिक्र होकर मर जाओ, मैं तुम्हारे प्रेत को अनाथ नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सिर हाथ पैर मुंह हृदय सबको संभाल के रखूंगा किडनी को छोड़कर, वैसे भी तुम्हारी किडनी काम नहीं कर रही है, अभी तक क्यों खड़े हो, रस्सी में गांठ बरोबर नहीं है क्या, देखूं तो आए? ये तो बिल्कुल बरोबर है। ये तेरे लिए ही है, तूने मेरे लिए सोचा था क्या? छोड़ो भैया, अरे मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा गधे की औलाद, ऐसा घटिया आइडिया देकर तूने मेरी वैशाली को मुझसे दूर कर दिया। मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मुझे छोड़ दो। नहीं छोड़ूंगा तुझे गधे की औलाद, क्या बोला था तू, मेरे शरीर को संभाल कर रखेगा, तुझे मार कर मैं तेरे शरीर को कुत्ते के आगे डाल दूंगा, समझा तू? भैया उधर देखो, वैशाली कहाँ है? वैशाली रुक। बाहर आ जाओ इज्जतदार आदमी। क्या कहना है? सोने जैसी बीबी को घर में रखकर 3 पैसे में शरीर बेचने वाली वेश्या को तुम चोरी चुपके से मंगलसूत्र पहनाते हो, मेरी बेटी ने ऐसे क्या गुनाह किया है? मैंने चोरी नहीं की है, तुम्हारे बेटे के सामने मंगलसूत्र पहनाया, उसने बताया नहीं क्या? अरे बेटा, मेरी बेटी ने तुम्हारी किसी बात का कभी विरोध किया है क्या, या तुम्हारी किसी मर्यादा को पार किया है? पति ही परमेश्वर कहकर पूजा करने वाली को आंसू में डुबो दिया, तुम इस तरह उसका हक क्यों छीन रहे हो? बेटा तुम जो कर रहे हो ठीक है क्या? बड़ा आदमी है, महान है, ये सोचकर तुम्हें हमने अपनी बेटी दी और तुमने ऐसा काम किया दामाद जी। उम्र में बड़े हो इसलिए सम्मान दिया, तो जो मर्जी में आए मत बोलो, आप जैसा सोच रहे हैं मैंने वैसा नहीं किया। मतलब आपने जो भी किया ठीक किया दामाद जी। कैसा दामाद हूँ मैं तुम्हारा? हाँ दामाद का गौरव दिया होता तो कोई भी बात होती तो घर के अंदर बैठकर बात करते तुम लोग, ऐसे गांव वालों को लाकर मेरा अपमान नहीं करते। मेरा नमक खाया हुआ तुम्हारा बेटा पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करता है। लेकिन वो लड़की जिसे तुम लोग वैश्या कहते फिरते रहते हो, उसने पुलिस के पैर पकड़कर मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन मेरा नमक खाया हुआ तुम्हारा बेटा पुलिस को लाकर मेरा अपमान करता है। उस दिन मंगलसूत्र पहनाने का कारण आपका बेटा है, अब हमारे आपके बीच कोई संबंध नहीं है, आप जा सकते हैं। राजगौड़े जी, गांव के बड़े आदमी होकर भी ऐसा काम करते हो क्या? बात मत करो। उस दिन मंदिर में ये गांव से संबंधित विषय है ये सब सोचकर मैं चुप रहा, उसी तरह आज ये विषय तुम गांव वालों का नहीं बल्कि मेरे परिवार से संबंधित है, किसी गांव वालों को बोलने की जरूरत नहीं। जीजाजी मेरी बात सुनिए। अब कहने और सुनने को कुछ नहीं रहा, जिस दिन तुम पुलिस को बुलाकर लाए उसी दिन तुम्हारा जीजा मर गया, तुम्हारी बहन उसी वक्त विधवा हो गई। जीजाजी मेरी बात। जिसका पति मर जाता है उस लड़की को माँ के घर से सफेद साड़ी देते हैं, इसी को सफेद साड़ी मानकर अपनी दीदी को दे आना। जीजाजी कृपया मुझे माफ कर दीजिए, जो भी मैंने किया वो मेरी गलती है, उसके लिए मुझे सजा दीजिए, सजा का हकदार मैं हूँ, इस जन्म में इस घर में पैर नहीं रखूंगा। मेरी दीदी को इतनी बड़ी सजा मत दीजिए जीजाजी, इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। लक्ष्मी तुम्हें मुझसे ज्यादा माँ का घर प्यारा है तो उनके साथ चली जाओ, तुम्हें अगर मेरी बीवी बनकर रहना है तो वो साड़ी लेकर अपने घर वालों को तुरंत विदा करो, जल्दी करो। इतने अपमान के बाद भी तू इसी घर में रहेगी क्या? आओ बेटी,
नहीं माँ, कुछ भी होने दो माँ, ये मेरा घर है, मेरा पति ही मेरा सब कुछ है। मैं अगर तुम्हारे साथ आऊंगी तो वो लोग पति को छोड़कर आई लड़के कहकर ताने सुनाएंगे, उससे बेहतर तुम्हें पति के रहते हुए भी विधवा के रूप में यही जिंदगी गुजारू, यही ठीक है। हे भगवान, मेरी बेटी को इतनी बड़ी सजा क्यों दी है तुमने? उसका उसका पति रहकर भी उसकी जिंदगी का सुख चैन छीन लिया, मैं कैसे उसका रिश्ता भी तोड़ दिया, ये किस जन्म का पाप है, किस तरह का पाप है भगवान? आहा, वो हल्दी धागा ले आया और तुमने बंधवा लिया। बकरी को बलि देने से पहले हार चढ़ाते हैं ना, वही तुम्हारी हालत है। ऐसे क्यों कह रहे हो? इतने दिन अच्छा या बुरा अपनी जिंदगी चलती थी, पर आगे से अभी कुछ नहीं होने वाला। वो तुम्हें अपनी पत्नी मानकर घर में भी नहीं रखेगा। नहीं भैया, वो बहुत अच्छी है। हाँ जानता हूँ, अगर वो अच्छा होता तो अपनी बीवी को छोड़कर तुम्हें मंगलसूत्र नहीं पहनाता। यहाँ आने वाला हर एक मर्द अपनी हवस मिटाने के लिए आता है, पति बनने के लिए नहीं आता। सारे गाँव वालों के सामने जिस औरत के साथ उसने शादी की उसको तुम्हारे लिए छोड़ दिया, कल किसी और के लिए वो तुम्हें भी छोड़ सकता है। किसके बारे में बात कर रहे हो? आपके बारे में ही। आपने जो किया उसे किया क्या? क्या बात है बोलो। बोलने के लिए आपने छोड़ा ही क्या है? आपने भले इसे पत्नी स्वीकार कर लिया हो, लेकिन गांव के लोग मानेंगे क्या? कानून मानेगा क्या? कल हमारी इज्जत उछलेंगी तो हम चुप रहेंगे क्या? सारे लोग हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। ससुराल नहीं है, मैका तो पहले से नहीं है, किसी तरह जिंदगी गुजारने के लिए धन दौलत भी नहीं है। कल अगर इसे कुछ हो गया तो इस भाई के दिल पर क्या बीतेगी? तुम्हारे पास कुछ नहीं तो क्या, मैं हूं ना, जब मैं खुद उसका हो गया तो मेरी संपत्ति भी उसी की है। बोलने जितना आसान नहीं है, करके दिखाना। राजे गावड़े जो करता है वही कहता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। बेटी बेटी बेटी, धीरज रखिए, शांत हो जाइए। हमारी आंखों के सामने उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई बेटी। हे भगवान, मुझे मरने से पहले लक्ष्मी लक्ष्मी कह रहे थे, अब देखो आखिरी बार उनका मुंह तक देखने नहीं आए, नहीं आए। माँ जी कोई आने वाला है? भैया थोड़ी और देर रुक जाओ, मेरी बेटी आने वाली है। मम्मी भगवान
पिताजी। राजू पिताजी। राजू लक्ष्मी आ गई है। राजू तुम्हारी बहन आ गई, उसको पिता का मुख दिखा दे। एक बार दफनाई गई लाश को बाहर निकालना ठीक नहीं है, यह शास्त्र के खिलाफ है। बेटी का पिता का मुंह देखने के लिए कैसा शास्त्र है? उनका ये मुख देखना आखिरी बार है बेटा। ना मत कहना बेटा, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। आइए हाथ लगाइए। स्वामी पिताजी, पिताजी, हे भगवान ये क्या हो गया? पिताजी पिताजी छोड़कर चले गए। तुम्हारे साथ में कुत्ते की तरह चक्कर काट रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ अभी तक। गोरे, मेरी बहन की वजह से तुमसे नाइंसाफी हुई, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ कर दूंगा। रुक क्यों गए? जाओ मजा करो। जाने मन, अकेले कहाँ जा रही हो? ओ, पैर में दर्द है। ज्यादा बात मत करो, चप्पल से मारूंगी। अरे अरे, गुस्सा क्यों होती हो? मैं तुम्हारा यार हूँ। चलो चलो, कहीं जाकर दुल्हा दुल्हन का खेल खेलते हैं। चल। अरे चल। ए, छोड़ो, छोड़ो। ए, चल। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़ो। चल साली, मैं जो कह रहा हूँ सुन। चल। चल ठीक है नहीं? आवाज नहीं बनता है, चल। चुपचाप चल अभी। इल्ला मत, चल, चल साले, बहुत इतरा दिए। ए, चल, ये क्या रात से बातचीत कर रहे हो तुम? इसको यहाँ से उठा के ले जाओ और ले जाके वहाँ मस्ती करो। जल्दी लेके जाओ, मस्ती करके उसको छोड़ दो। क्या बातचीत कर रहे हो? जाओ, जाओ, उठा के लेके जाओ, जल्दी करो। ए, अरे बाप रे! Ah!
अगली बार गीता पे आंख उठा के देखा, समझ जाना। अभी 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 देखा है जी, धरती पे आया है देखो चांद, जो भी देखे बोले वो ये है कमाल। अभी 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 हुआ जी, मैंने जाना मुझको हुआ है प्यार, उसको देखा दिल तो गई। अब तो ये रूप रंग देख के मैं पागल हूँ, रूप ये मेरा तेरे लिए है, अब आके तू मिला तो भाग कैसा चमका है। अब सुन ले तंग तुझे मैं कर दूंगा, मैं तुझको दिल दे जाके दोनों मिलके संग संग चल के हम दोनों कर देंगे, भर देंगे जीवन में खुशी के रंग सारे। जैसे कावेरी ये देखूं वो देखूं दुनिया है सुंदर ही, जागा है प्यार मेरे इस मन के अंदर भी। आहा के दुनिया सुंदर मन के अंदर प्यार जगा है, होगी हाँ होगी हाँ होगी हर आशा पूरी। अभी 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 देखा है जी, धरती पे आया है देखो चांद, जो भी देखे बोले वो ये है कमाल।
तुम लोग जो कह रहे हो वो सच है? मैं क्यों झूठ बोलूं जीजू, आपकी कसम सच है। मैं ही गीता से शादी करूंगा ऐसा बोल रहा था, कोई भी इसके बीच में आया चाहे मेरे जीजा जी ही क्यों ना हो, मैं सबको जान से मार डालूंगा बोल रहा था। उसमें इतनी हिम्मत आ गई है रुद्रा? हाँ जीजू। अपनी बेटी की शादी तुमसे कर रहा हूँ, कल ही मंगनी करूंगा। राजगौड़े जी, क्या बातचीत करते ही बैठे रहेंगे, जल्दी से मंगनी की शुरुआत कीजिए। डैडी ये सब क्या है? तुम्हारी मंगनी है बेटी, यही दूल्हा है। इसके बारे में मुझसे और मम्मी से आपने कुछ पूछा क्या? हमारे खानदान में औरतों से पूछकर नहीं करते। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। ये ता शादी अब मेरा निजी मामला है। चुप हो जाओ। डैडी अगर मैं शादी करूंगी तो भी सिर्फ राजू से। मेरी जिंदगी को जिसने बर्बाद किया उसी से शादी करना चाहती हो तो? इतने दिनों तक तुमने जो कुछ भी किया वो सब कुछ सहकर चुप रही, मगर अब चुप नहीं रहूंगी। क्या कर लोगी तुम? ये शादी नहीं होने दूंगी, ये अधिकार नहीं है, ये मेरी ममता है। इतने दिनों से मैंने तुम्हारी बात को नहीं टाला क्योंकि तुम मेरे लिए भगवान हो और तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप भाई सब लोगों से नाता तोड़ दिया। समुंदर की तरह आंसू बहते हैं, फिर भी मन ही मन रोती हूँ और बाहर से हंसती रहती हूँ। एक औरत पति की सब बात मानती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो डरती है, पति ठीक रास्ते पर जा रहा है ये विश्वास रखती है, क्योंकि विश्वास पर ही दोनों का रिश्ता टिका होता है। और विश्वास के टूटने पर भी मैं तुम्हारी बात सुनती रहूं तो ये मेरा पागलपन ही होगा, इसीलिए मैं ये बात कर रही हूँ। अच्छे बच्चों का मिलना माँ बाप के लिए पुण्य है और ऐसे दुष्ट आदमी को हमारी बेटी देकर पाप कमा रहे हो, ये दुनिया को बताने जा रहे हो क्या? उस दिन दूसरी शादी के बारे में पूछने आए तब ये गांव वाले मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहने की हिम्मत नहीं है ऐसा कहते थे। कल यही लोग हाथ में पैसे लेकर सब लोगों के साथ तुम्हारी बेटी के घर के सामने खड़े रहेंगे, ये तुम्हें पसंद है क्या? आप ऐसी बात क्यों कर रही है? मैं क्या मर्द नहीं हूँ? लड़की के हाथों कमाया खाते हुए इंसान को आदमी नहीं कहते, और तुम तो पुरुष बनने के लायक ही नहीं। आज तुम तुम्हारी बहन को रख कर वैश्यवृत्ति करवाते हो और कल अपनी औरत से नहीं करवाओगे, इसकी क्या गारंटी है? तुम्हारे सामने मैं अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांगती हूँ। इतने साल से तुम्हारी बीवी बनकर रही, कम से कम आप मुझे इतना हक तो दे दीजिए, ये हक मुझसे मत छीनिए। जीजू ये औरतें हमेशा बकबक करती रहती है, इनकी बात सुनकर हमारा सर घूम जाएगा। ओ पंडित जल्दी से थालियां बदलो, चलो। ए? अरे चलो ना। ए रुद्रा छोड़ो उसका हाथ, छोड़ो। डैडी ऐसे कैसे छोड़ दूं, मैं आया ही हूँ इसका हाथ थामने के लिए। मुंह बंद करो, सीधी तरह बाहर निकल जाओ, नहीं तो गला पकड़ कर निकाल दूंगा। जीजू घर छोड़कर मुझे नहीं बल्कि तुम्हें जाना होगा, क्यों पता है? क्योंकि अब ये घर मेरा हो गया। ये क्या कह रहे हैं जी? ओए उस वसीयत में क्या लिखा है जरा पढ़ के सुना से। अपना घर और अपनी जायदाद सारा रुद्रा के नाम कर दिए हैं, आपने ही तो लिखा है। ए, मुझे फंसा कर दस्तखत करा कर मुझे घर से बाहर जाने को कहते हो? अरे फंसा कर नहीं, मेरी बहन की प्यार की वजह से। ए, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी बहन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा मैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हमें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, हमारी बेटी की जिंदगी बच गई यही बहुत है। चलो जी जाएंगे, यहाँ से चलते हैं।
कैसी हो दीदी? कैसे हैं जीजा जी? आप अब तक मुझसे नाराज हैं। आइए जीजा जी, घर चलिए। अब दीदी तुम कहो ना जीजा जी से। जीजा जी चलो ना, चलिए ना, चलिए दीदी, चलिए। माँ, माँ क्या है? कामा जी अंदर आइए। मुझे माफ कर दो, मैंने आप लोगों का दिल दुखाया है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आप लोगों से। ऐसे क्यों कह रहे हो? सोचो एक बुरा सपना था, मैं तो कभी कब भूल गई। भगवान हमें अच्छा रखे, बस इतना ही काफी है। अंदर आइए, आओ आओ बेटी, आओ आओ। आइए जीजा जी। माँ ऐसे ही खड़ी रहोगी या खाने का बंदोबस्त भी करोगी? राजू घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तुम इनसे बातें करो, मैं दुकान जाकर आती हूँ। ठीक है माँ। राजू। क्या गीता? राजू वो रुद्रा और वैशाली। वैशाली और रुद्रा? लक्ष्मी। क्या माँ? राजू के हाथ में तलवार है, वो गुस्से में जा रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ ये बात किसी को भी मत बताना, मैं बस अभी आती हूँ। मुंह बंद करो, भगवान जैसे आदमी को उसी के घर से बाहर निकालने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? वैशाली मैं ये सब कुछ तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। बस बंद करो, हम जैसे बेघरों को अपने यहाँ घर देकर, मैं वैश्या हूँ ये जानते हुए भी मुझसे शादी की, अपने मान मर्यादा इज्जत की परवाह नहीं की, मुझे एक नई जिंदगी दी, ऐसे महान आदमी को तुम फंसा रहे हो क्या? उनका एहसान का बदला इस जन्म में क्या? 7 जन्म नहीं चुका सकते, ऊपर से ऐसे काम करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वैशाली मेरी बात सुनो। अब सुनने के लिए कुछ नहीं रहा, मैं अभी जाकर ये सारे कागजात तुम्हें वापस करती हूँ और उनके पाँव पकड़ के क्षमा मांगूंगी। रुक, छोड़ो मुझे। इज्जत से कह रहा हूँ ये वसीयत मुझे दे दे। मैं नहीं दूंगी। नहीं दोगी तो तुम नहीं बचोगी। वैसे भी राजगौड़े ने तुम्हें सबके सामने मारने की धमकी दी थी, अब वो काम मैं करूंगा तब वो जेल जाएगा। क्या कहा? शिवारंगा उसे छोड़ना नहीं, खत्म कर दो उसे। रुद्र भाई, भाई वो राजू आके अपने आदमियों को मार रहा है भाई। Thank you.
वैशाली को तुम्हारे जीजा जी ने मार डाला, इसीलिए उन्हें पुलिस ले जा रही है। तू सुअर की औलाद? कौन मैं? और नहीं तो क्या मैं? ए, मैं कौन हूँ? कौन मैं कौन हूँ? बोला ना। मेरा गुस्सा कैसा है? अरे बोला ना। मैं किसी को मारूं तो उसकी हड्डी पसली एक हो जाती है, मैं सबका सिर काट के रख देता। तू अगर गधे की औलाद बीच में नहीं आया होता ना, तो उसका सिर काट के मैं अब तक गांव के बीच में फेंक दिया होता। तू आकर सब गड़बड़ कर दिया। भैया अभी भी क्या बिगड़ा है, सबको आप ही ने मारा था ना। भैया आपके हाथ में तलवार है मतलब आपने सबको मारा है, आपके हाथ में जो तलवार है उसी तलवार से आपने उन्हें मारा। क्या बोलते हैं तू? और क्या भैया, चूरापुर के पटेल खानदान में जन्मा आप जैसा पराक्रमी गांव वालों और पुलिस को बता के आता हूँ। तुम मेरी सारी बात भूल जाओ, तुम पुलिस को नहीं बताओगे वो हमें पकड़ के ले जाएंगे और मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। ये क्या भैया ऐसे डरते हो, आप कौन हैं, आपके खानदान में? अब मैं कौन हूँ बोलो? तुम चोलापुर के राजा खानदान के रॉयल फैमिली जैसे। जैसे? रॉयल फैमिली जैसे। और फिर तुम अरे शहंशाह जैसे हो, शहंशाह जैसे। और तुम? मैं तुम्हारा गुलाम जैसा हूँ। मेरे पैर पड़े इसलिए छोड़ता हूँ। हे भाई चलता हूँ, चलता हूँ, सही बोला। हाथ नीचे चलो, पूरा नीचे करो, सैल्यूट मारो। अब 10 फीट की दूरी में पीछे आओ। मम्मी, लक्ष्मी, दामाद पर वैशाली के कत्ल का इल्जाम लगाकर पुलिस उन्हें बंदी बनाकर लिखी गई है बेटी। मम्मी, लक्ष्मी, मम्मी। इंस्पेक्टर जी देखिए, वैशाली को मारने वाले मेरे जीजाजी नहीं, मैं हूं। कृपया मेरे जीजाजी को छोड़ दीजिए। तुमने उसे मारा, इसका क्या सबूत है? मेरी बात का विश्वास कीजिए। दारू बनाने वाले का साथ देने पर मुझे बहुत पीटा था ना, इस दिन का मुझे कब से इंतजार था। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए, मैं क्या चीज हूं अब तुम्हें पता चलेगा। ए नंबर 420, उसे छोड़ो और इसे अंदर डालो। ये सब कैसे हो गया राजू? तुम गुस्से वाले हो ये मालूम था, लेकिन खूनी ये मैं नहीं सोच सकता था। जीजाजी आपने गलती की, उसका पश्चातापी प्रायश्चित है, बदला नहीं। जो हो गया उसे भूल जाइए जीजाजी। राजू डरना नहीं, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा। जीजाजी आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। दीदी आपका इंतजार कर रही होगी, आप जाइए। आओ मेरी दुल्हनिया। रुद्र छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे रुद्र। छोड़ दूंगा लेकिन अभी नहीं, मंगल सूत्र बांधने के बाद। ए छोड़ दे उसे। ए बुढ़िया चुप रहोगी तो ठीक है, नहीं तो। क्या कहा था तुमने उस दिन, मुझसे शादी नहीं करोगी? हाँ आज मंगल सूत्र बांधूंगा, तुम्हें कौन बचाने आता है देखता हूँ। तू इस तरह बंदी बनाकर मंगल सूत्र पहनाएगा क्या मुझे? ए लड़की, ये तुमको मंगल सूत्र इसलिए नहीं पहना रहा है कि तुम्हारे साथ घर बसाएगा, तुम्हारी माँ का मुंह बंद करने के लिए। वो तुम ही हो ना,
उस दिन रुद्रा अपनी बहन का खून कर दिया यह देखकर पुलिस में भाग रही थी कंप्लेन लिखाने के लिए। अब भागो। ए रुद्रा, अब वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो तुम? जल्दी से मंगलसूत्र पहनाओ। छोड़ो, छोड़ दो उसे। अंदर की औलाद, अनाउंस करके अपने भाई को बुला रही थी ना। ए रुद्रा, देर क्या कर रहे हो? मंगलसूत्र पहनाओ। मंगलसूत्र तो नहीं। मंगलसूत्र तो है ही नहीं। मंगलसूत्र यही पर ही तो है। शाबाश रुद्रा, ले ले मंगलसूत्र। ए, अगर उसके मंगलसूत्र का हाथ भी लगाया तो मैं तेरी जान ले लूंगी। तेरे पति के जिंदा होते भी तेरे गले से मंगलसूत्र निकाल कर तेरी बेटी को बांधूंगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। राजू, ए, कहाँ भागती है? मंगलसूत्र दे। नहीं, तू
राजू। इसे पकड़कर क्यों खड़े हो? इसे छोड़ के जाओ, मैं तुम्हारा ही आदमी हूँ, इसे देखूंगा। अरे बाप रे, मर गया। अब मैंने पार्टी बदली कर लिया। याला, 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 याला। पड़ गया, मैं तुम्हारे पैर पकड़ के माफी मांगता हूँ, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। दस फीट की दूरी में मेरे पीछे आओ। सीधी तरह अपने आप को सरेंडर कर दो, नहीं तो शूट कर दूंगा। इंस्पेक्टर, वैशाली का खून उसके भाई रुद्र ने ही किया है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं कोर्ट में जाकर गवाही दे सकती हूँ। तुम जिंदा रहोगी तो ही ना मेरे खिलाफ गवाही दोगी। राजू, राजू। लक्ष्मी, अब और देर नहीं, जैसे ये ठीक हो जाएगा इसकी शादी कर देंगे। क्यों राजू? जो जीजा बोलेंगे सही है। क्या माँ, अभी तक तैयारी कर रही हो? मैं देख लूंगी, तुम जाओ। इतनी भी क्या जल्दी है तुमको? राजू, इधर आओ ना राजू। राजू, राजू, इस तरह से यहाँ क्यों खड़े हो? गीता के पास जाओ। वो मेरा साला है राजू। जो जीजा बोलेंगे सही है। लेटो ना।